अगर पाकिस्तान में सक्सेसफुली फायरवॉल इंस्टॉल हो चुकी है और वीपीएन को कंट्रोल किया जा रहा है, तो एटलीस्ट थोड़ी सी एफर्ट करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हम्बली एज ए बिजनेस ओनर, हालात जो भी हों आप बिजनेस नहीं रोक सकते, बाहर बैठे हुए क्लाइंट को नहीं फर्क पड़ता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने उनका काम उनको उनके टाइम पे डिलीवर करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, इंटरनल कम्युनिकेशन ने वैसे ही चलना होता है। आप लोगों ने एक प्रोसेस बनाया जिसमें जाके हमने कंपनी को रजिस्टर करवाना है, तो प्लीज उसको तो ठीक कर दें, एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन स्मूथ कर दें। मैंने अपनी कंपनी को रजिस्टर कराया एंड आई एम अनेबल टू लॉग इन, और उसके ऊपर ये चल रहा है कि जब आप पासवर्ड रिकवरी की तरफ जाते हो तो पासवर्ड रिकवरी आपको ईमेल रिसीव ही नहीं हो रही, ना स्पैम में जा रही है ना कहीं और जा रही है, और ऑन टॉप ऑफ इट यूजर एक्सपीरियंस का ये लेवल है कि आप कोई भी ईमेल डाल दो तो सिस्टम आपको यही कहेगा कि ईमेल चली गई है। भाई पहले चेक कर लो क्या ये रजिस्टर्ड ईमेल है या नहीं है, इस पर ईमेल शूट करनी है या नहीं करनी। अगर गवर्नमेंट लेवल पे आप कोई टेक्नोलॉजी बना रहे हो उसको बच्चों से तो मत बनवाएं, एटलीस्ट उसको स्मूथ करके थोड़ी सी लोगों की जिंदगी आसान कर दें। बिजनेस चलना है ना, सुबह से फाइल्स ना आ रही है ना जा रही है। एक अकाउंटेंट को मैंने वॉइस नोट भेजा और वो वॉइस नोट डिलीवर नहीं हो रहा, वीपीएन ऑन करते हैं नेट बंद हो जाता है, वीपीएन ऑफ करते हैं वॉइस नोट नहीं डिलीवर हो रहा। आप मुझे आके बता देना कि हमने बिजनेस कैसे चलाना है, हमने क्या करना है, आप बता दें। मतलब ये जब आप लोगों की सेटलमेंट होगी कुछ भी होगा तो उसके बाद क्या पाकिस्तान को चलाना नहीं है क्या, आईटी सेक्टर को बंद कर देना है, हर जगह तबाही फेर देनी है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज आवर प्लान। अगर आपने एक टेक्नोलॉजी लगा ली है तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि उसको मेच्योर होने में टाइम लगता है, सिस्टमेटिकली जाए और उसको करें, और जब तक वो मेच्योर नहीं होती तो डेस्परेशन में आके उसको बंद ना कर दें, दिस इज ऑल वी आर रिक्वेस्टिंग। सो अगर कोई ये सुन रहा है तो अपनी टेक टीम से रब्ता करें, अगर उनसे ही नहीं हो रहा तो मुझे दे दें, मैं अपनी टेक टीम से ये बेसिक बेसिक फीचर ठीक करा लेते हैं कि कम से कम पासवर्ड रिकवरी ठीक चल रहा हो, साइन अप के बाद लॉग इन हो रहा हो, लॉग इन नहीं हो रहा तो सिस्टम बता दे लॉग इन क्यों नहीं हो रहा, अगर कोई एरर है, कोई ऑब्जेक्शन है, कोई ब्लॉकेज है, कोई वेरिफिकेशन है बता दें। सिंपल, एक ईमेल आती है, अनप्रोफेशनलिज्म का ये आलम है कि एक ईमेल आती है उस ईमेल के अंदर कोई प्रोफेशनल कंटेंट ही नहीं है, फॉर गॉड सेक, दिस इज अ नेशनल लेवल पोर्टल, एम्बैरस कितना करेंगे। पीटीए इज अ नेशनल लेवल पोर्टल, इसके अंदर थोड़ा एक जो फ्रेश ग्रेजुएट अच्छी यूनिवर्सिटी से निकलता है ना, 6 महीने बाद अगर आप उसको ये पोर्टल बनाने के लिए देना तो वो बेटर यूजर एक्सपीरियंस से बना के देगा। आई डोंट नो क्या कर रहे हैं, आपके पास इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, किसी से रब्ता कर लें। एक ईमेल जाती है उस ईमेल के अंदर एक खाली लिंक जाता है, ऐसा अगर ऐसा किसी गोरे के साथ कर दो ना वो प्रोजेक्ट लपेट के मुंह पे मारेगा आपके कि यार ये कोई प्रोफेशनलिज्म है, ऐसे काम करते हैं। आई एम सिटिंग, मैं गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करना चाह रहा हूं, मेरा बिजनेस हर्ट हो रहा है, आई एम अनएबल टू लॉग इन, पासवर्ड रिकवरी आपका फ्लॉप हुआ हुआ है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, टेल मी व्हाट टू डू। मैं ये नहीं कह रहा कि बंद क्यों किया, फायरवॉल क्यों लगाई, मैं सपोर्ट करता हूँ कि फायरवॉल लगाई है सही से लगाओ, वीपीएन आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है सही से कराओ, बट प्लीज ये अब मैं वर्ड केयरफुली यूज कर रहा हूँ, हमें काम करने दें, हमें हमें रोजी रोटी कर रहे हैं, हमें करने दें, इसमें पाकिस्तान का फायदा है, इसमें बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है, खुदा के लिए रहम करें। और इस टेक्नोलॉजी को बेसिक काम है, बेसिक काम है, आपके पास बंदे नहीं है, इफ एनी बडी वॉन्ट रीच मी आउट भाई, मैं ठीक करा दूंगा, लेकिन ठीक कर दे, लोगों को ख्वार मत करें। आई होप कि किसी समझदार आदमी तक मैसेज पहुंच जाएगा। थैंक यू।